नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सोमवार का दिन कई राज्यों के लिए कहर बनकर बरपा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान से जो बड़ी खबर सामने आई वो हम सब ने देखी, किस तरीके से बिजली गिरी और कई लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ये एक प्राकृतिक हादसा था और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ। दरअसल यहाँ पर बिजली तो नहीं गिरी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ का कहर इस तरीके से देखा जा रहा है कि गांव अस्त व्यस्त हो गए हैं। यकीन मानिए, जो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं वो तबाही का मंजर साफ तौर पर बयां करती है। कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, कई ऐसी जगह थी, इमारतें थी जहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है इस बाढ़ की वजह से। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार और बहुत तेज बारिश हो रही है। सोमवार को इस बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि एहतियात के तौर पर हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। जहां पर पार्किंग लोगों की गाड़ियां जहां पर खड़ी थी पार्किंग में, वहां से गाड़ियों को हटाया गया, क्योंकि अगर तय वक्त पर उनको नहीं हटाया जाता तो गाड़ियां बह के जा सकती थी। हालांकि कुछ गाड़ियां इस बहाव का शिकार भी हुई, गाड़ियां थी, बाइक थी, वो सब बहकर चली गई। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो धर्मशाला से लगे मांझी खाद इलाके में अचानक से बाढ़ आने से दो इमारतें ढह गई, सोचिए। और इसका वीडियो, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया है। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने भी भारी बारिश से हुई क्षति को लेकर चिंता अपनी जाहिर की है और फिलहाल वो एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर फिलहाल जो टीम है वो अलर्ट पर है। इसके अलावा त्वरित राहत प्रदान करने और बचाव अभियान चलाए जाने की बात भी सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मैक्लोडगंज जो है उससे लगे ऊपरी धर्मशाला में भागसू नाग के पास एक नाले ने भारी बारिश के कारण अपना रास्ता बदल लिया और सोचिए सड़कों पर वो पूरा नाला आ गया, त्राही त्राही मच गई। मतलब इतनी बुरी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से बीते दिन सामने आई हैं जिसने हर किसी को दहला दिया है, हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से उपजी स्थिति पर वो कड़ी नजर रखे हुए हैं और फिलहाल राज्य को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी हुई है। कई जिलों में जो बाढ़ आई है उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए जयराम ठाकुर से सोमवार को अमित शाह ने बात भी की थी। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।